बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आवर ऑनलाइन सोशल स्टडीज़ क्लास फोर क्लास। आई होप यू ऑल आर फाइन एंड सेफ एंड साउंड एट योर होम। सो स्टूडेंट्स, एज यू नो, वी हैव स्टार्टेड दिस बुक फ्रॉम द वेरी फर्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर वन, जियोग्राफी। ओके, वी हैव डन इट्स फर्स्ट हाफ। हमने इसे पढ़ा था द अर्थ इन स्पेस, और अर्थ की डिफरेंट शेप्स के बारे में पढ़ा था, और कुछ सैटेलाइट्स के बारे में पढ़ा था, एस्ट्रोनॉट्स के बारे में पढ़ा था, और इसके अलावा हमने इसकी कुछ डायरेक्शंस के बारे में पढ़ा था। सो आज बच्चों हम इसका सेकंड हाफ पढ़ेंगे। ओपन योर बुक एट पेज नंबर फोर। सो लेट्स स्टार्ट इट। द मून इज़ द अर्थ नेचुरल सैटेलाइट। चाँद जो है वो ज़मीन की नेचुरल सैटेलाइट है, यानी कि ज़मीन के गिर्द चक्कर लगाता है, यानी कि ये कोई बनाई हुई सैटेलाइट नहीं है, ये नेचुरल सैटेलाइट है। इट रिवॉल्व्स राउंड द अर्थ। ईच कंप्लीट रिवोल्यूशन टेक्स 28 डेज। चाँद क्या करता है, रिवॉल्व करता है। रिवोल्यूशन होता है चक्कर लगाना, घूमना। तो ज़मीन के गिर्द घूमता है, और एक चक्कर जो अपना कितने दिनों में पूरा करता है, इट टेक्स 28 डेज। ओके, ये आप यहाँ देख सकते हैं, ये सन है, ठीक, और ये हमारी ज़मीन है, और ये मून है। ये जो मून है ये इस तरीके से इसकी रेवोल्यूशन होती है, चक्कर लगाता ही है ज़मीन के गिर्द, और ये हमारी ज़मीन जो है ये चक्कर लगाती है सूरज के गिर्द। जैसे कि आपने पीछे पिछले पेज पर पढ़ा था कि जो रोटेशन है, द अर्थ स्पिन्स और रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट ऑन इट्स एक्सिस, टेक्स 24 आवर्स। अपने एक्सिस पे के गिर्द जो ज़मीन घूमती है वो कितना टाइम लगता है, 24 आवर्स। और रेवोल्यूशन क्या है, एट द सेम टाइम द अर्थ इज़ मूविंग अराउंड द सन। अर्थ जो है ज़मीन के गिर्द भी चक्कर लगाती है, और दिस मूवमेंट इज कॉल्ड इट्स रेवोल्यूशन। और ये कितना टाइम लेती है, इट टेक्स 365 डेज, 1 ईयर, ठीक है, एक साल में अपना चक्कर जो है सूरज के गिर्द ज़मीन पूरा करती है। सो नेक्स्ट पढ़ते हैं। द इफेक्ट्स ऑफ द रोटेशन एंड रेवोल्यूशन ऑन ऑफ द अर्थ। द रोटेशन ऑफ द अर्थ काजेज डे इन नाइट। वो कह रहे हैं कि जो रोटेशन और रेवोल्यूशन है अर्थ की, अर्थ का जो घूमना है, जो सूरज के गिर्द चक्कर लगाना है, उसके क्या असरात होते हैं, ठीक है। द रोटेशन ऑफ द अर्थ काजेज डे इन नाइट। इस रोटेशन की वजह से दिन और रात होते हैं। द डिफरेंट सीजन्स इन क्लाइमेटिक कंडीशंस ऑन द अर्थ आर कास्ट बाय इट्स रेवोल्यूशन राउंड द सन एंड बाय द टिल्ट ऑफ द एक्सिस। डिफरेंट जो सीजन्स हैं, जो डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं, जो चेंज होती हैं, वो भी इस रेवोल्यूशन की वजह से होती हैं। सो बच्चों, वो कैसे होती हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं कि लाइक आपकी अर्थ का ये जो पार्ट है, जैसे इस तरह से, ठीक है, और ये लेट सपोज कि ये सन है, ठीक है, इसको आप कंसीडर करें सन। जो जब आपकी ज़मीन का ये वाला पार्ट जो है ना, ये सूरज के सामने आता है, तो क्या होता है, यहाँ पे दिन होता है, और जब ये घूम के ये, और यहाँ पे उस वक्त क्या होती है, नाइट होती है, ठीक है, यहाँ पे नाइट होती है। और जब ये वाला पार्ट घूम के सूरज के गिर्द आता है, तो क्या होता है, इस साइड पे इस ये हिस्सा रोशन हो जाता है, और जब ये वाला पार्ट घूम के यहाँ चला जाता है, तो यहाँ पे क्या होता है, नाइट होती है। इसी तरीके से जब अर्थ जो है सूरज के गिर्द रिवॉल्व करती है, इट टेक्स 365 डेज। सो तो जब अर्थ का ये वाला पार्ट सूरज के सामने आता है, तो यहाँ पे कौन सा क्लाइमेट होता है, हॉट सीज़न होता है, यानी कि गर्मियाँ हो जाती हैं। जब ये वाला पार्ट घूम के यहाँ आता है, तो क्या होता है, ये वाला पार्ट गर्म हो जाता है, और यहाँ पे सर्दी हो जाती है, ठीक हो गया। सो कंटिन्यू करते हैं। प्लेसेस दैट आर क्लोज टू द इक्वेटर आर जनरली हॉट थ्रू आउट द ईयर। प्लेसेस दैट आर फर्दर अवे फ्रॉम द इक्वेटर हैव डिफरेंट सीजन्स। जैसा कि हमने पीछे भी पढ़ा था कि जो प्लेसेस इक्वेटर के करीब होती हैं, वहाँ पे वेदर जो है वो हॉट होता है, गर्मी होती है, टेम्परेचर हाई होता है, और जो थोड़ी सी फार अवे हैं, लाइक उससे दूर हैं इक्वेटर से, वहाँ पे डिफरेंट सीजन होते हैं, लाइक गर्मी सर्दी, डिफरेंट सीजन आते हैं। एज द अर्थ टर्न्स अराउंड, हाफ ऑफ इट इज ऑलवेज फेसिंग द सन एट इज डे टाइम, द अदर हाफ इज इन डार्कनेस नाइट। जैसे कि अभी हम
हमने पढ़ा कि जो हिस्सा सूरज के सामने होता है ज़मीन का, वहाँ पे क्या होता है, दिन होता है, और जो उससे बैक होता है, जो दूसरी साइड पे होता है, वहाँ पे नाइट होती है। द टिल्ट ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस मीन्स दैट एट द नॉर्थ पोल देयर इज 24 आवर्स ऑफ डे लाइट फॉर सेवरल मंथ्स आवर समर मिड अप्रैल टू ऑगस्ट, वाइल देयर इज कम्प्लीट डार्कनेस फॉर सेवरल मंथ्स ड्यूरिंग विंटर अक्टूबर टू अर्ली मार्च। अच्छा, यहाँ पे क्या है कि जो ज़मीन अपने एक्सिस के गिर्द चक्कर लगाती है 24 आवर्स में, तो वो क्या है कि जब उसका जो पार्ट सूरज के सामने आता है वहाँ पे प्रॉपर जो है वो डे टाइम रहता है, और जब ज़मीन जो है वो चक्कर लगाती है सूरज के गिर्द, तो जितना टाइम उसको 365 डेज लगते हैं, और जितना पार्ट उसका जो है सूरज के सामने होता है वहाँ पे उन एरियाज़ में दिन ही रहता है, रात नहीं होती। यानी कि ऐसे कुछ एरियाज़ हैं, आप थोड़े हैरान होते होंगे, लेकिन ऐसे कुछ एरियाज़ हैं जहाँ पे क्या होता है कि वहाँ पे जो हिस्सा सूरज के सामने रहता है वहाँ पे सिर्फ गर्मी ही चलती है, हॉट सीज़न ही चलता है, डार्क, और जो उससे अदर साइड होता है वहाँ पे कंप्लीट डार्कनेस होती है फॉर सेवरल मंथ्स ड्यूरिंग विंटर, सर्दियों में, जैसे अक्टूबर टू अर्ली मार्च। एट द साउथ पोल द अपोजिट इज़ ट्रू। अब साउथ पोल जो है वहाँ पे इसके अपोजिट होता है। इट इज़ समर देयर बिटवीन अक्टूबर इन मार्च विथ 24 आवर्स ऑफ डे लाइट, इन विंटर बिटवीन मिड अप्रैल टू अगस्त व्हेन देयर इज़ कम्प्लीट डार्कनेस। अच्छा, क्या है कि नॉर्थ पोल जो है आपका, साउथ पोल में क्या होता है कि समर बिटवीन अक्टूबर इन मार्च, अक्टूबर और मार्च के बीच में जो है वो गर्मी का सीज़न होता है, विथ 24 आवर्स ऑफ डे लाइट, यानी कि 24 आवर्स सिर्फ दिन रहता है, वहाँ पे रात नहीं होती गर्मी के मौसम में। एंड इन विंटर, और सर्दी में क्या होता है, बिटवीन मिड अप्रैल टू अगस्त व्हेन देयर इज़ कम्प्लीट डार्कनेस, और विंटर वहाँ का विंटर सीज़न होता है अप्रैल से अगस्त के दरमियान, और यहाँ पे डार्कनेस होती है फुल 24 आवर्स, रात होती है, दिन नहीं होता। द वर्ल्ड इज़ अ ह्यूज स्फीयर बट वी यूज़ फ्लैट मैप्स टू शो अस पार्ट ऑफ इट। मैप्स नीड अ क्लियर टाइटल, स्केल एंड अ की टू हेल्प अस टू अंडरस्टैंड देम। यू विल यूज़ मेनी डिफरेंट मैप्स इन दिस बुक। हियर इज़ अ मैप ऑफ द वर्ल्ड शोइंग द कॉन्टिनेंट्स एंड ओशंस। अच्छा जी, यहाँ पे क्या है कि हमारी जो ज़मीन है, हमने उसके बारे में पहले भी पढ़ा कि वो एक ह्यूज बॉल की तरह है, स्फीयर है, और समटाइम जो है लोगों के आइडियाज़ डिफरेंट थे कि ज़मीन जो है वो थोड़ी चिपटी है, फ्लैट है, और ये हमें कैसे पता चला, हमारे मैप से। और मैप्स के बारे में मैंने आपको बताया था कि ये मेन मेड हैं, इमेजिनरी लाइन्स हैं, लाइक हमारा इक्वेटर, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड जो है ये हमारे मेन मेड हैं, कोई नेचुरल नहीं है, इमेजिनरी लाइंस हैं। और ये मैप क्यों बनाए गए हैं, हमने मैप्स और ये ग्रिड और जो चीज़ें हैं इसलिए क्रिएट कर ली हैं डिफरेंट डायरेक्शंस को जानने के लिए, ठीक हो गया। और अब ये है कि इस बुक में आप डिफरेंट मैप्स के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे जो मैप दिया गया है उसमें क्या शो किया गया है, कॉन्टिनेंट्स एंड ओशंस डिफरेंट। ये जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये कॉन्टिनेंट्स हैं जो ऑरेंज पार्ट है, और ये देखें ये ब्लूइश पार्ट जो है ये ओशंस को शो कर रहा है, ठीक हो गया बच्चों। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर होता है फिनिश आउट। सो आपने इसकी रीडिंग कंप्लीट करनी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।